दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्चुअली आइडेंटिटी है और इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्स टू दी पावर 3 प्लस वाई टू दी पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई और फिर इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम LHS को सॉल्व करें तो RHS के बराबर है और RHS को सॉल्व करें तो LHS के बराबर है। यहाँ जो हमारा LHS है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो RHS को सॉल्व करते हैं और LHS के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा RHS। RHS क्या है हमारे पास, x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस x से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इस y से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं। x से x को किया तो x के ऊपर पावर 3, एक पावर और दो पावर तो हो गया 3 पावर, फिर ये हो जाएगा माइनस या इक्वल टू का साइन डाल लेंगे। फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और फिर अगर इससे करेंगे तो हो जाएगा x और ये वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब चलिए y से करते हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले ये प्लस और x स्क्वायर ये y, इस x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर y। हमेशा x पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे, चाहे वो किसी भी कैसे भी यहाँ पर हो। अब फिर इसी तरह y को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा x और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि x हो गया और ये y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर और ये प्लस y के ऊपर पावर 3। अब चलिए देखते हैं क्या इसमें कुछ ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे आए हैं। अगर एक जैसे आए हैं या तो उनको प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, जैसे उनके आगे साइन होगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे दिख रहा है, ये माइनस का और ये प्लस का, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाना है। ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाना है। तो बच गया एक्स 3 और ये प्लस वाई 3 इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा, एल एच एस, और ये हो गया वेरीफाइड। है ना, हमने पहले इक्वेशन को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, क्योंकि हमने RHS को सॉल्व किया तो वो LHS के बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया वेरीफाई। अब चलिए सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्स थ्री माइनस वाई थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही लेना है RHS। RHS आपके पास क्या है, RHS इक्वल टू है एक्स माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करना है आपको, x से पहले सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा x के ऊपर पावर 3 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर इस y से करेंगे तो इसके आगे माइनस है तो सब में माइनस हो जाना है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस वाई के ऊपर पावर 3। तो ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, तो ये हो गया एक्स 3 और माइनस वाई 3 इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा एल एच एस हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।